दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है, कोलार, हुट्टी और ऊटी नामक खानों से, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड के कुछ भागों से भी सोना निकाला जाता है। सोना आमतौर पर या तो अकेले या पारे या सिल्वर के साथ मिश्र धातु के रूप में पाया जाता है। कैलेवराइट, सिल्वनाइट, पेटजाइट और क्रेनराइट अयस्कों के रूप में भी ये पाया जाता है। अब ज्यादातर स्वर्ण अयस्क या तो खुले गड्ढों से आता है या फिर अंडरग्राउंड खानों से। ऐसे में आज हम आपको पहाड़ों को तोड़कर सोना निकालने की प्रक्रिया से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आपको बता दें, सोना निकालने की 7 प्रक्रियाएं हैं। इनमें पहली 4 में मानव के हाथों से होती है, जबकि 3 रासायनिक हैं। प्रक्रिया 1, विस्फोटकों से चट्टानों को तोड़ना। किस पत्थर को तोड़ना है इसकी जांच भूविज्ञानी करते हैं और फिर उस चिन्हित चट्टान को डायनामाइट की मदद से तोड़ा जाता है। 300 से 500 मीटर की गहराई से करीब 1 टन पत्थर निकाला जाता है और पूरे दिन में करीब 300 टन मलबा बाहर निकाला जाता है। सोना एक जगह पर जमा नहीं होता है और ये स्वर्ण अयस्क के रूप में मूव करता रहता है। प्रक्रिया 2, पत्थरों की पिसाई। इस निकाले गए मलबे के पत्थरों को मशीन की सहायता से बारीक बालू की तरह पीस लिया जाता है। इस प्रक्रिया में करीब 4 से 5 घंटे लगते हैं। प्रक्रिया 3, बालू को गीला करना। बालू में पानी डाला जाता है और फिर इसको एक टेबल पर डाला जाता है, जिस पर गीला कंबल नुमा कपड़ा बिछा रहता है। जब गीले कण इस कंबल की ऊपर से निकलते हैं तो सोने के कण इस कंबल में चिपक जाते हैं और फालतू का पत्थर बाहर निकल जाता है। ये प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। ध्यान रहे कि यह प्रक्रिया एक वाइब्रेटिंग टेबल पर संपन्न की जाती है, जिसमें पत्थर छन जाता है। प्रक्रिया 4, कंबल को धोने की प्रक्रिया। पानी में कंबल धोने से सोने के कण अलग हो जाते हैं। सोना मिश्रित इस पानी को टेबल पर डाला जाता है, जहां से पानी बह जाता है और सोने के अंश टेबल पर जमा हो जाते हैं। फिर इस जमा हुए सोने से बिस्किट, ईंट, प्लेट और अन्य सामान बनाया जाता है। यदि जरूरत पड़ी तो इन रासायनिक प्रक्रियाओं को करना पड़ता है। पहली रासायनिक प्रक्रिया, साइनाइड की प्रक्रिया। अगर अयस्क में सोने की मात्रा कम है तो रासायनिक प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। खान से निकले पत्थरों और इसके चूर्ण को कार्बन पल्स प्लांट में प्रोसेस करते हैं। इस पर पोटेशियम साइनाइड डालकर 48 घंटे तक छोड़ देते हैं। साइनाइड से रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद मलबे में छिपा सोना तरल रूप में बाहर आ जाता है। दूसरी रासायनिक प्रक्रिया, अमेलगमेशन। स्वर्ण अयस्क से शुद्ध होना हासिल करने के सभी तरीकों में सबसे पहले अयस्क को धोया जाता है और फिर उसे मिल में भेज दिया जाता है। मिल में अयस्क को पानी के साथ छोटे छोटे कणों में पीस लिया जाता है। इसके बाद अयस्क को पारे की परत चढ़ी हुई प्लेटों से होकर गुजारा जाता है। स्वर्ण और पारा मिलकर अमलगम बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को अमेलगमेशन कहा जाता है। एक बार अमेलगम बन जाने के बाद इसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि पारा गैस बनकर उड़ नहीं जाता। तीसरी रासायनिक प्रक्रिया, फ्लोटेशन। एक और तरीका है जिसे फ्लोटेशन कहा जाता है। जमीन से निकले अयस्क को एक घोल में रखा जाता है, जिसमें झाग बनने वाले तत्वों के अलावा संग्राहक तत्व भी होते हैं और कुछ दूसरे केमिकल्स भी। झाग बनाने वाला तत्व इस पूरे घोल को झाग में बदल देता है। संग्राहक तत्व सोने के कणों को आपस में बांधते हैं, जिससे एक तैलीय फिल्म बन जाती है जो सतह पर हवा के बुलबुलों से जुड़ जाती है। इसके बाद सोने की इस फिल्म को अलग कर लिया जाता है। हालांकि सोना निकालने की प्रक्रिया से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सोना निकालना एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। यही कारण है कि बाजार में सोने के दाम इतने ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।